जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 की पर्यावरण विषय में पाठ संख्या 4 स्वच्छता की आदत, स्वच्छता की आदत को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं। गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं। सिर पर तेल की मालिश करते हैं, सिर पर तेल की मालिश करते हैं और उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं, और उसे तैयार करके गुरुद्वारे ले जाते हैं। गुरमीत के पिताजी जो है हर रविवार को क्या करते हैं, गुरमीत के हाथ वे पैर के नाखून काटते हैं। क्या करते हैं रविवार को, उसके हाथ वे पैर के नाखून काटते हैं। सिर पर तेल की मालिश करते हैं, और सिर पर क्या करते हैं, तेल की मालिश करते हैं। उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं। अब गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसे तैयार करके और गुरुद्वारे अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए, आपके नाखून कौन काटता है, आपके नाखून कौन काटता है। तो आपके नाखून कौन काटता है, जो भी काटता है वो हमें बताना है। किसी के पिताजी काटते हैं, किसी के माताजी काटते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, मेरे नाखून मेरी माताजी काटती है। हमें क्या बताना है कि आपके नाखून कौन काटता है, तो मेरे नाखून मेरी माताजी काटती हैं। आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हो, आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हो। तो हमें क्या लिखना है, मैं अपने नाखून सप्ताह में एक बार कटवाता हूँ। ऐसे ही होता है ना बच्चों, सप्ताह में एक बार सभी को अपने नाखून कटवाने चाहिए। ठीक है, तो क्या है, आपके नाखून कौन काटता है, तो मेरे नाखून मेरी माताजी काटती है। आपके नाखून कौन काटता है, मेरे नाखून मेरी माताजी काटती हैं। आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हो, आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हो। तो हमें क्या है बताना, मैं अपने नाखून सप्ताह में एक बार कटवाता हूँ, मैं अपने नाखून सप्ताह में एक बार कटवाता हूँ। अब आगे हम चर्चा करेंगे किस पर, समय समय पर नाखून काटना क्यों ज़रूरी है। बताओ बच्चों, समय समय पर नाखून काटना क्यों ज़रूरी है। तो क्या लिखना हमें, बड़े नाखूनों में गंदगी फंस जाती है। बड़े नाखूनों में क्या होता है, गंदगी फंस जाती है। जो खाना खाते समय हमारे शरीर में जा सकती हैं, जो खाना खाते समय हमारे शरीर में जा सकती हैं। इसे रोकने के लिए हमें समय समय पर नाखून काटना ज़रूरी होता है। ठीक है, समय समय पर नाखून काटना क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में हमें क्या बताना है, हमें यही कह सकते हैं कि अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो बड़े बड़े नाखूनों में क्या फंस जाती है बच्चों, गंदगी फंस जाती है। क्या फंस जाती है, गंदगी, जो खाना खाते समय हमारे शरीर में जा सकती है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में वो गंदगी जा सकती है। इसे रोकने के लिए हमें समय समय पर नाखून काटना ज़रूरी है, हमें समय समय पर नाखून काटना ज़रूरी है।
समझे बच्चों, समय समय पर नाखून काटना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए सप्ताह में एक बार हमें नाखूनों को, हाथ व पैर दोनों नाखूनों को काटना चाहिए। नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? नाखून नहीं काटने पर नाखून में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में जाएगी, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। समझे बच्चों, नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें क्या बताना है? नाखून नहीं काटने पर नाखूनों में फंसी गंदगी जो है हमारे शरीर में जाएगी। कहाँ जाएगी? खाना खाते से हमारे शरीर में जाएगी, ठीक है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है, नहाने से जो है हमारे शरीर की क्या हो जाती है? सफाई होती है ना बच्चों। दिन भर में जो हमारे पसीने से या इधर उधर घूमने से धूल मिट्टी जो हमारे शरीर में लग जाती है, बालों में लग जाती है, पूरे शरीर पर लग जाती हैं, वह नहाने से सफाई हो जाती है, नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। हमें सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटने चाहिए। हमने पहले भी पढ़ा है ना बच्चों और सुना भी है कि अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो नाखूनों में जो गंदगी फंसी होती है वो खाने के साथ कहाँ चली जाती है? हमारे पेट में, जिससे हमारे स्वास्थ्य हमारा बुरा हो सकता है या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें नाखून अवश्य काटने चाहिए, जिससे नाखूनों में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में ना जाए, जिससे नाखूनों में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में ना जाए। वापस देखो बच्चों, नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है, नहाने से क्या होता है? हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। हमें सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटने चाहिए, जिससे नाखूनों में फंसी गंदगी खाने के साथ शरीर में ना जाए। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा।